सद्गुरु रुद्रनाथाय नमस्तुभ्यं तव चरणं शरणं नमामि नमः। गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले मेरे बाबा को अलग आदेश। मैं श्री सद्गुरु रुद्रनाथ जी का शिष्य संजय नाथ। आज हम बात करेंगे साध्य, साधना और साधक, इन तीनों के बारे में। साध्य, साधना और साधक, इन तीनों की संगति और समन्वय से ही एक साधारण व्यक्ति को सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। साध्य यानी क्या? साध्य यानी अपने इष्ट या ईश्वर है। ईश्वर यानी सब प्रवृत्तियों का समूह। मोक्ष की भी इसमें गिनती होती है और इसके विपरीत दुष्प्रवृत्तियां होती है और ये दुष्प्रवृत्तियां ही बंधन है, मोह माया या इतर तरह के भवबंधन। इन्हीं भवबंधनों की चर्चा जहां होती है वहां उसका तात्पर्य कषाय क्लमशों से है। कषाय यानी पूर्व जन्मों के संस्कार, या कहे कि जन्म जन्मांतर से सतत अभ्यास के द्वारा किए गए किसी कार्य को करने में कुशलता प्राप्त करना, और क्लमश अर्थात कोई भी गहरी लालसा या किसी चीज को जिद करके या किसी भी प्रकार से पाने की अनियंत्रित इच्छा या कुछ प्राप्त करने के प्रबल कामना की वजह से किए हुए अपराध, दुष्कृत्य या दुष्कर्म, और इन दुष्कर्मी कश्य क्लमशों से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष है। यह मान्यता सही नहीं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाने का नाम मोक्ष है। जन्म एक अभिवर्धन है यानी बढ़ने की क्रिया या भाव, यानी किसी चीज को अधिक उपयोगी या फलप्रद बनाने के उद्देश्य से किसी छोटे या साधारण रूप को बड़े या विकसित रूप में लाना। और मरण यह प्रकृति का नियम है। ईश्वर की यह सत्ता इस प्रकृति के नियम से और इसी तरह से चलती है। जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति से लेकर मानव शरीर धारियों तक प्रत्येक को इस चक्र में अनिवार्य तरीके से भ्रमण करना पड़ता है। अवतारी महामानव भी बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। अवतारों की ये संख्या अब 10 या 24 हो चुकी है। इनमें से सभी को अपने अपने ढंग से जन्म लेना और मरना पड़ा है। सृष्टि चक्र में जो भी बंधा है उसे उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन के क्रम में घूमना पड़ा है। सूक्ष्म शरीर धारियों को भी एक अवधि के लिए नियत उत्तरदायित्व संभालने के लिए भेजा जाता है। उस कार्य को पूरा करने के अंत में वो भी वापस लौट जाते हैं और जब आवश्यकता हो उसी क्रम में पुनर्वृत्त करते हैं। जब अवतारों और देवताओं को आवागमन की प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ती है तो हम भक्तजन जन के लिए उसका अपवाद कैसे हो सकता है? मोक्ष का तात्पर्य कषाय क्लमशों से छुटकारा पाना, इसी को ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। यहाँ इस जीवन की सर्वोपरि परिस्थिति है जिसमें निरंतर सत्य का, चित्त का और आनंद का अनुभव होता है। ईश्वर का स्वरूप भक्त के लिए सच्चिदानंद स्वरूप ही तो है, इसी में उसे कष्य क्लमशों से छुटकारा मिलता है। या इसे ऐसा समझिए कि कर्म करना और फिर उस कर्म का फल भोगना, और वह कर्म फल भोगने के लिए या कर्म फल भोगते समय जो कर्म किए उन कर्मों के प्रति फिर से फल प्राप्त, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से छुटकारा मिला।
कर्म बंधन से बलपूर्वक या जबरदस्ती बंधकर जन्म मरण के चक्र में फंसना यानी बंदी की तरह या कैदी की तरह रहना, यह कष्टकारी भी हो सकता है। और जो ईश्वर की इच्छा से उसकी व्यवस्था संभालने के लिए जेलर की तरह आता जाता रहता है और जो ईश्वर के इच्छा अनुसार कर्म करता है, तो उसके लिए ईश्वर के बनाए हुए इस स्वर्ग जैसे उद्यान का आनंद लेने के लिए बार बार आने जाने का अवसर प्राप्त करना सुख भी है और सौभाग्य भरा भी होता है। साधना में साध्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। इसी को मोक्ष कहना हो तो भी कुछ हर्ज नहीं। ईश्वर की प्राप्ति करते ही साधक अज्ञान, अभाव और अशक्ति से जन्मी समस्त दुख दरिद्र्य जैसे विपदाओं से चूर जाता है। सच्चिदानंद से एक रूप एक सच्चिदानंद से एक रूप हो जाता है और अपने और ईश्वर के स्थिति में भिन्नता नहीं रहती। और ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही साध्य है। साध्य को समझ लेने के बाद साधना का स्वरूप समझना आवश्यक है। साधना के लिए दो कार्य करने होते हैं, एक योग दूसरा तप। योग का अर्थ है अपने दृष्टिकोण को उत्कृष्टता के साथ जोड़ देना। इस शरीर की अवांछनीय आदतों को बलपूर्वक खींच घसीट कर सीधे रास्ते पर लाना। मनुष्य का चित्त या चिंतन शरीर अभ्यास के साथ बुरी तरह गुथा हुआ रहता है और अपना चित्त अपने को निरंतर शरीर समझने लगता है। शरीरगत सुख ही उसके सुख और शरीरगत दुख ही उसके दुख बन जाते हैं। इंद्रिय जन्य वासनाएं अर्थात शारीरिक पंच इंद्रियों की अनियंत्रित इच्छा या आसक्तियां और मनोगत तृष्णा अर्थात मनोवृत्ति जो किसी बात या वस्तु के प्राप्ति के और ध्यान ले जाती है और जो प्राप्त नहीं उसको पाने की तीव्र इच्छा, इन्हीं दोनों की पूर्ति में शरीर लगा रहता है। और इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी है अहंता अर्थात गर्व, घमंड या अहंकार की दशा या भावना, स्वयं को औरों से अधिक योग्य या बढ़कर समझने का भाव। सारे सुखों का केंद्र इन तीनों में केंद्रीभूत रहता है। इन्हीं की पूर्ति के लिए निरंतर सोचने और कार्य करने की क्रिया चलती रहती है। आत्मा या चित्त क्या है समझ ही नहीं पड़ता, या कहिए आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं। शरीर के भीतर जो है उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की और ध्यान ही नहीं जाता। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को योग कहते हैं। योग को अपनी दृष्टि शरीर से हटाकर आत्मा के साथ जोड़नी पड़ती है। एक ओर से खींचकर दूसरी ओर जोड़ने का नाम योग है। यह चिंतन क्षेत्र को उलट देता है। इसके लिए आत्मचिंतन करना पड़ता है, शरीर और आत्मा का भेद समझना पड़ता है। चिंतन को एक ओर से खींचकर दूसरी ओर नियोजित करने का नाम योग है। इसमें आंखें मूंद कर अंतर्मुखी होना पड़ता है और जो भीतर है उसके कल्याण की साधना करनी पड़ती है। तप योग का दूसरा पार्ट है, अपने विचार कर्मों में समाविष्ट हो जाते हैं और आदतों का रूप धारण कर लेते हैं और आदत बनकर कार्य करने लगते हैं। कामुकता के विचार सिर्फ मस्तिष्क में ही नहीं पर वह यौनाचार बनकर क्रिया या कार्य भी करने लगते हैं। मर्यादा में न रहकर मर्यादाओं का उल्लंघन भी करते हैं और व्याभिचार के रूप में दिखने भी लगते हैं। लोग सिर्फ धन की इच्छा तक ही सीमित नहीं रहता पर वह चोरी, बेईमानी, छल, प्रपंच आदि के रूप में भी जैसे बने वैसे धन संग्रह में लग जाता है। आरंभ में मन कुछ हिचकिचाता भी है पर पिछले जन्म के अभ्यास में की हुई आदतें
उसे स्वाभाविक मान लेती है। नीति अनीति का विचार मन में से चला जाता है और अनीति करते हुए चतुरता और सफलता मालूम पड़ने लगती है। इन आदतों को सहजता से छुड़ाया नहीं जा सकता, अपने आप से लड़ना पड़ता है। आदत को छुड़वाने के लिए अपने साथ शक्ति बरतनी पड़ती है। विभिन्न साधकों में विभिन्न नियमों का समावेश है। कुछ नियम थोड़े समय के लिए पालन किए जाते हैं, कुछ को सदा के लिए अपना लिया जाता है। साधक कठोर नियमों को करते हैं और उन्हें आजीवन निभाते हैं। हिमालय खंडरों में निवास करना, जो आहार मिले उस पर गुजारा करना, भूमि पर सोना जैसे नियम कितने ही साधक पालन करते हैं। इन तपश्चर्याओं के पीछे वही उद्देश्य छिपा हुआ है कि विलासिता की आदत को छोड़कर साधना के उच्च स्तर तक लंबे समय तक निभाया जा सके और यह शरीर से संबंधित आदतों को धीरे धीरे अथवा एक ही झटके में समाप्त किया जा सके। शरीर के साथ शक्ति बरतना, मन के ऊपर कठोर अंकुश लगाना तपश्चर्या का उद्देश्य है। यह योग का पूरक है। मन में शुद्ध चिंतन और व्यवहार में कठोरता, संयम की दोनों ही व्यवस्था बना लेने से मन का भटकना काबू में आ जाता है। मन की और शरीर की इच्छाएं काबू में लाना साधना का कार्य है। अब साधक क्या है ये देखते हैं। जो साधना करने लगे और उसमें उसकी रुचि बढ़ने लगे और उसे आनंद आने लगे, समझना चाहिए कि वह साधक हो गया। जो साधक है वह सिद्ध है। ईश्वर के संपर्क में आने पर ईश्वर के गुण भी अनायास ही साधक में आ जाते हैं। जैसे पानी की बूंद जब सागर में गिरती है, वह पानी की बूंद न रहके सागर का अंश बन जाती है और वह स्वयं भी सागर हो जाती है। ईश्वर सिद्धियों का भंडार है। उसके साथ संपर्क में आने से साधक सिद्ध होकर ही रहता है। साध्य की साधना नियमित करते रहने के साथ ही व्यक्ति अपने आप को साधक अनुभव करता है और कहलाता भी है। यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रकट और या अप्रकट घोषणा करने के उपरांत व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रहता है कि हमने अपने बारे में जो घोषणा की है उसे निभाना भी होता है। साधक होना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। हम साधक है यह घोषित करना ऐसे ही है जैसे अपने आप को सरपंच, न्यायाधीश, महामहोपाध्याय आदि के रूप में जनता को परिचित करना। साधक होना बहुत सम्मान की बात होती है। मनुष्य का सम्मान बहुमूल्य है, उसे भले आदमी गिरने बिगड़ने नहीं देते। यह हुई साध्य साधना और साधक की बातें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। इन तीनों को एक साथ माला में पिरोने का कार्य जो करता है और इस सारे प्रक्रिया में अतिशय महत्वपूर्ण जो होता है वो है गुरु। गुरु ही साधक और साध्य के बीच की अहम कड़ी है। गुरु बिना साध्य को प्राप्त करना नामुमकिन है। गुरु ही साधक और साध्य को एक रूप करने का माध्यम होता है। साधारण को साधक बनाना, साधक बनाकर कौन से साधक को किस प्रकार से या किस साधना पथ पर चलकर क्या साध्य करना है या किसको साध्य करना है और वह क्यों साध्य करना है, इसका परम ज्ञान केवल गुरु ही दे सकता है। केवल गुरु को ही पता होता है कि अपना शिष्य या साधक कितना तप कर चुका है या उसके आत्मा पर पूर्व जन्मों की कितनी धूल मिट्टी साफ करनी बाकी है। बिना गुरु के साधना मार्ग पर चलना, साधक बनना और साध्य की प्राप्ति करना नामुमकिन है। गुरु जी को आदेश, तुम्हें को आदेश, आदेश।
जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें आसन बंधन, दिशा बंधन और जितनी चीज़ें अघोर में गुरु मंत्र से पहले आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrasi.xyz पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से, उसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, इस तंत्र टोटके को करिए और आपका जो डूबा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाएगा, ऐसा मेरी भैरव बाबा से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।